सभा प्रमुख एडवोकेट बी डी हंबरडे महाविद्यालय आष्टी आष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित एडवोकेट बी डी हंबरडे महाविद्यालय आष्टी वतीने आज से राष्ट्रीय वेबिनार अपने सर्वांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या वेबिनारसाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून आजच्या सत्राचे या वेबिनारसाठी रिसोर्स पर्सन म्हणून उपस्थित असलेले सन्माननीय आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर दिगंबर तंगलवाड सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्वांचे मी प्रथमतः मनपूर्वक असं स्वागत करतो आणि सरांचं मी थोडक्यात परिचय देण्यासाठी या ठिकाणी ऑनलाईन उपस्थित आहे। आदरणीय डॉक्टर दिगंबर तंगलवाड सर हे त्यांचं मूळ गाव नांदेड जिल्ह्यामध्ये भोकर तालुक्यामध्ये नांदेड जिल्ह्याचे हे रहिवासी असणारे आमचे आदरणीय गुरुवर्य तंगलवाड सर अतिशय सामान्य आणि गरीब कुटुंबामध्ये सरांचा जन्म झालेला आहे। सरांचे मोठे बंधू दत्तात्रय तंगलवाड सर हे देखील बीड जिल्ह्यातील गेवराई येथे या ठिकाणी प्राध्यापक आहेत। आदरणीय डॉक्टर दिगंबर तंगलवाड सर प्रोफेसर आणि ॲकॅडमिक डायरेक्टर रिजनल कॅम्पस प्रयागराज उत्तर प्रदेश या ठिकाणी कार्यरत आहेत। आदरणीय तंगलवाड सर महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्रीय विद्यापीठ वर्धा यांचं जे रिजनल कॅम्पस आहे या ठिकाणी प्रोफेसर आणि ॲकॅडमिक डायरेक्टर म्हणून सध्या काम करत आहेत। आदरणीय तंगलवाड सर त्यांचा जो विभाग आहे त्या ठिकाणी तो म्हणजे वुमेन स्टडीज या ठिकाणी सरांचं या विभागाचं सर कामकाज पाहत आहेत। सरांचं शिक्षण एम ए समाजशास्त्र एम ए लोकप्रशासन एम ए अर्थशास्त्र एम ए इतिहास अशा चार विषयामधून सर पदव्युत्तर या ठिकाणी पदवी प्राप्त केलेली आहे। त्याचबरोबर एम एस डब्ल्यू एम फिल नेट आणि सेट या परीक्षा देखील सरांनी या ठिकाणी उत्तीर्ण केलेल्या आहेत। त्याचबरोबर संशोधनाची जे उच्च असे आपण डिग्री समजतो ती अशी पी एच डी पदवी देखील सरांनी या ठिकाणी संपादन केली आहे। अशा पद्धतीचा शैक्षणिक वाटचाल सरांचे आणि त्यानंतर अध्यापनाचा जो अनुभव आहे प्रथमतः सरांनी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय शंकरनगर तालुका बिलोली जिल्हा नांदेड या ठिकाणी 10 वर्ष सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून सरांनी काम पाहिलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ या ठिकाणी सहाय्यक कुलसचिव म्हणून देखील सरांनी देखील काम केलेलं आहे आणि त्यानंतर सरांनी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ या ठिकाणी त्यांचं जे रिजनल ऑफिस आहे प्रयागराज या ठिकाणी सर सध्या प्रोफेसर म्हणून काम करत आहेत। सरांचा जो टीचिंग एरिया आहे ज्यामध्ये वुमेन स्टडीज गांधी विचारधारा मानसशास्त्र समाजशास्त्र भारतीय समाजशास्त्रज्ञ सामाजिक चळवळ संशोधन पद्धती आणि खास करून आदिवासी क्षेत्राचा अभ्यास या ठिकाणी सरांचा हा संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा विषय अभ्यासक्षेत्र आहे। सरांचा संशोधनाचा अनुभव जवळपास 23 वर्षाचा आहे। सरांच्या अंडर 5 विद्यार्थ्यांनी पी एच डी पदवी संपादित केली आहे आणि त्यानंतर 4 विद्यार्थ्यांनी एम फिल पदवी या ठिकाणी संपादित केलेली आहे ज्यामध्ये 1 विद्यार्थी सध्या आणखी पी एच डी सरांचं काम करत आहे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली। सरांचा हा संशोधनाचा अनुभव आणि त्यानंतर प्रशासकीय अनुभव जेव्हा आपण पाहतो सर विद्यापीठामध्ये 2011 ते 2013 या कालावधीमध्ये सहाय्यक कुलसचिव म्हणून सरांनी पदभार स्वीकारलेला आहे आणि त्यानंतर ॲकॅडमिक सेक्शन एक्झाम सेक्शन इलेक्शन सेक्शन आणि इस्टॅब्लिशमेंट सेक्शन अशा वेगवेगळ्या सेक्शनमध्ये सरांनी विद्यापीठामध्ये आपली स्वतंत्र अशी मोहर किंवा ओळख निर्माण केलेली आहे। या सर्व क्षेत्रामध्ये सरांनी स्वतःला झोकून देऊन या ठिकाणी काम केलेले आहे। त्याचबरोबर सरांचा महाविद्यालय विद्यापीठ आणि रिजनल अशा पद्धतीचा जो अनुभव या वेगवेगळ्या काम करत असताना वेगवेगळ्या पदावर सरांनी वेगवेगळ्या कमिट्यामध्ये काम केलेले आहे ज्यामध्ये नॅक कमिटी असेल आय क्यू सी कमिटी असेल ए पी आय कमिटी असेल कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटी त्याचबरोबर नोडल ऑफिसर म्हणून त्यांनी यू जी सीचे वर्क या ठिकाणी एस सी एस टी ओ बी सी सेलचं देखील सरांनी मायनॉरिटी पी डब्ल्यू डी अशा सेलचं देखील सरांनी या ठिकाणी कारभार स्वीकारलेला आहे त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर आर टी आय कमिटी त्याचबरोबर सेट परीक्षेचे ऑब्झर्वर म्हणून सर देखील सरांनी काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर पेट परीक्षेचे ऑब्झर्वर म्हणून देखील सरांनी काम केलेलं आहे। त्याचबरोबर सरांनी
सी एस जे सी एस पेपर सेटर अशा वेगवेगळ्या स्वरूपाची परीक्षेची कामे देखील सरांनी केलेली आहेत. त्याचबरोबर वॉटर टेलर ज्यामध्ये त्याचबरोबर विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या कोर्सेसचे त्यांनी कोऑर्डिनेटर म्हणून देखील सरांनी काम केलेलं आहे. त्याबरोबर ऑफिशियल स्क्रुटनी कमिटीचे देखील सरांनी या ठिकाणी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर कॅश कॅम्प असेल, त्याचबरोबर रोस्टर व्हेरिफिकेशनचं काम असेल, त्याचबरोबर इन्क्वायरी कमिटी असेल, अशा वेगवेगळ्या कमिटीवर देखील सरांनी काम केलं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विधानमंडळ सेशन 2022 यांचं देखील सरांनी काम केलेलं आहे. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर म्हणून देखील सर काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर युवक महोत्सवाचे देखील मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये देखील सरांनी खूप महत्त्वाची भूमिका स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये या ठिकाणी कामकाज पाहिलेलं आहे. त्याचबरोबर सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी म्हणून देखील सरांनी काम केलेलं आहे. त्यानंतर स्टुडंट वेलफेअर कमिटीचे देखील सरांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. अशा वेगवेगळ्या पदावर वेगवेगळ्या कमिट्यांमध्ये त्या ठिकाणी कोऑर्डिनेटर त्याचबरोबर मेंबर म्हणून देखील सरांनी वेळोवेळी कामकाज केलेलं आहे. त्याचबरोबर सरांनी ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी त्या ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करण्यात आले आहे, त्यामध्ये देखील सरांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ई फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम यासाठी घेण्यात आला होता आणि त्या प्रोग्रामचे सर कोऑर्डिनेटर म्हणून देखील काम पाहिलेलं आहे. त्याचबरोबर राज्यस्तरावरील जे आपत्ती व्यवस्थापन या अनुषंगाने जे आव्हान 2013 आणि आव्हान 2019 या अनुषंगाने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम घेण्यात आला होता त्यामध्ये देखील सरांनी या ठिकाणी कोऑर्डिनेटर म्हणून खूप महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या डिस्टन्स एज्युकेशनचा अभ्यासक्रम किंवा अभ्यासक्रम देखील सरांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर सरांचे अनेक पुस्तक प्रकाशित आहेत, ज्यामध्ये समाजशास्त्रीय विचारवंत हे महत्त्वाचं पुस्तक आहे. त्यामध्ये त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक चळवळ, त्यानंतरबरोबर हजरत हाजी अब्दुल रहमान खान उर्फ सैलानी बाबा हे देखील पुस्तक सरांनी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शैक्षणिक विकास हे पुस्तक सरांचं सद्यस्थितीमध्ये लिखाणाचं कामकाज चालू आहे. त्याचबरोबर सरांनी अनेक ग्रंथ देखील संपादित केलेले आहेत, ज्यामध्ये युगपुरुष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा ग्रंथ सरांचा या ठिकाणी संपादित झालेला आहे. त्याचबरोबर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, भारतीय समाजशास्त्रीय विचारवंत, भारतीय सामाजिक चळवळ, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले असे ग्रंथ सरांनी या ठिकाणी संपादित केलेले आहेत. अतिशय मोठा हा शैक्षणिक आणि प्रकाशनाचा किंवा ग्रंथ संपादनाचा लिखाणाचा अनुभव हा सरांचा या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पुस्तकांमधून देखील सरांचे 10 चॅप्टर इन बुक ज्यांना आपण म्हणू अशा पद्धतीचे 10 चॅप्टर इन बुक सरांनी लिखाण केलेले आहेत. त्याचबरोबर सेमिनार कॉन्फरन्स अशा वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये स्पेशल पर्सन म्हणून सरांनी या ठिकाणी जवळपास 24 वेळेस या ठिकाणी 24 पेपरचं वाचन सरांनी या ठिकाणी केलेलं आहे सेमिनार कॉन्फरन्समध्ये. त्याचबरोबर गेस्ट लेक्चर सरांनी जवळपास 40 जास्त ठिकाणी रिसोर्स पर्सन गेस्ट लेक्चर म्हणून या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे. निश्चितच अतिशय अनुभवी अतिशय अभ्यासू व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत आजच्या या वेबिनारसाठी. या सरांनी आम्हाला वेळ दिला आणि आम्हा निश्चितच सर्व विद्यार्थ्यांना प्राध्यापकांना आणि उपस्थित सर्व समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांना सखोल असे मार्गदर्शन या ठिकाणी करणार आहेत. हा त्यांचा अल्पसा परिचय मी या ठिकाणी दिलेला आहे. खरंच त्यांच्या व्याख्यानातूनच आपला त्यांचा खरा परिचय या ठिकाणी होणारच आहे. तेव्हा मी पुन्हा एकदा उपस्थित आदरणीय डॉक्टर दिगंबर तंगलवाड सर तसेच उपस्थित सर्व बंधुभगिनींचे मी मनपूर्वक असे स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. थँक्यू सर. थँक्यू भगवान वाघमारे सर. आपण जो स्ट्रॉंग बायोडाटा तंगलवाड सरांचा आहे तो आपल्या भाषेमध्ये या ठिकाणी तुम्ही व्यक्त केले की कोणतीही व्यक्ती विशेषतः तंगलवाड सरांचा जो एरिया आहे तो नांदेड मूळचे नांदेड आणि त्या ठिकाणी असणारा आदिवासी समुदाय लक्षात घ्या समाजशास्त्राचा विषय आहे आणि त्या समुदायातून एक व्यक्ती किती पदव्या घेऊ शकते आणि किती पदावर वरचेवर त्याला आपण म्हणतो पुढच्या श्रेणी मिळवत चालते याचं
ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजचे आपले रिसोर्स पर्सन दिगंबर नकलवाड सर। मी सरांना अशी विनंती करतो की आपण आपलं बहुमोल असं मार्गदर्शन आपले सर्व संशोधक प्राध्यापक मित्र बंधू भगिनी आणि आम्हाला सविस्तर असं मार्गदर्शन या ठिकाणी करावं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर तंगलवाड। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वेरी डिटेल इंट्रोडक्शन बाय डॉक्टर भगवान वाघमारे सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मुंडे सर फॉर दिस गिवन अपॉर्चुनिटी। हेलो। हाँ सर माय साउंड इज रीचिंग सर। हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके ओके गुड आफ्टरनून सर ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। टुडेज कॉन्फरन्स चेयर पर्सन रिस्पेक्टेड प्रोफेसर सर व्हिडिओ 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 ऑन करा प्रोफेसर डॉक्टर निंबोरे सर द कन्वेनर ऑफ टुडेज वेबिनार प्रोफेसर डॉक्टर मुंडे सर एडुकेसी कोऑर्डिनेटर ऑफ डॉक्टर हंबर्डे कॉलेज प्रोफेसर एन एन ननावटे जी माय डियर स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर भगवान वाघमारे introduce me very detail and very well, so I am very thankful to Professor Dr. Bhagwan Vaghmare. It is indeed a great pleasure as well as to honor here with speak you today a national webinar. I would like to congratulate Professor Dr. निंबोरे सर एंड डॉक्टर मुंडे सर फॉर द ऑर्गेनाइज्ड दिस नेशनल वेबिनार वेरी वेल। टुडे स्पीकर एज अ स्पीकर एज अ रिसोर्स पर्सन आई एम प्रेजेंटिंग हेयर अ ट्रेलर एज अ पैनोरामा ऑफ ओल्ड एज प्रॉब्लम and indigenous approaches to welfare and empowerment to senior citizen of India. I am speak here within 30 minute of my presentation. The outline of this lecture, outline of this speech, that is discuss of the old age problem overall India, to explain how to empower to senior citizen of India, to discuss how to welfare of senior citizen of India and government policies to solve the problem and tackle the problem by the government, state government and central government. Sir, I continue in English or Hindi? Dr. Munde sir. Haan, sir. Haan, sir. I am continue this lecture in Hindi or English language, please. Tumhala parvan kya sir? Hindit bola, English madhe bola. Tumhala je aaj Marathit bola. Yes, yes, yes sir. Thank you. Because of our practice is only English and Hindi nowadays, that's why I am continue in Hindi. ओके सर। ओके तो अभी सर ने बताया है कि ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन के, तो उसमें भारत के प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था का जिक्र अभी सर ने किया है। माना कि चार प्रकार के आश्रम बताए गए हैं,
उसमें लगभग ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। और व्यक्ति के जीवन काल का जो पूरी आयु है ये 100 साल की बताई गई थी। और उसी आधार पर जैसे कि उसका जो बेस है हमारे यहाँ, उसका बेस धर्म के आधार पर था और भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति उसमें माता पिताजी का जो महत्व है, ये महत्व देवता के समान माना गया है। लेकिन जैसे कि औद्योगिकरण के बाद पूरे विश्व में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और ये मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां में बड़े पैमाने पर बदल हो गया है। और इसका असर भारत के ग्रामीण, आदिम और नगरीय समाज पर हुआ है और भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आने के कारण हमारा जो संयुक्त परिवार था वो परिवार का विघटन हो करके एकल परिवार का प्रवर्तन बड़े पैमाने पर होने के कारण संयुक्त परिवार का विघटन होते गया है। और जैसे कि ये औद्योगिकरण और ये मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारी जो सोच है, ये सोच दिन ब दिन बदलते जा रही है। हम सोशियोलॉजी के लोग तो मानते हैं कि परिवर्तन ये तो एक प्राकृतिक नियम है और इसी परिवर्तन के कारण हम जो परिवर्तन की राह पर चलने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसी परिवर्तन के कारण वृद्ध लोगों का जो प्रश्न है, वृद्ध जनों के जो प्रश्न है, दिन ब दिन बढ़ते गए। और जैसे कि हम जब प्राचीन काल या कई 200 साल का ही पहले का अगर हम जिक्र करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये ध्यान में आएगा कि परिवार पर वृद्ध जनों का प्रभाव बड़े पैमाने पर था। वृद्ध जनों का नियंत्रण कुटुंब पर बड़े पैमाने पर था और कुटुंब का पूरा नियंत्रण और पूरी आर्थिक व्यवस्था भी वृद्ध जनों के अनुरूप थी। परंतु कालानुरूप जैसे कि शिक्षा के विकास के कारण सब बहुत लोगों को अलग अलग क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि सर्विस की सुविधा बन गई है, इसलिए ग्रामीण और आदिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर नगरीय समाज में रहने के लिए आ रहे हैं, गांव उनको छोड़ना पड़ रहा है। आज के तारीख में अगर हम देखें तो लगभग हमारे पूरे विश्व का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें 65 जिन लोगों का एज है इनकी आबादी लगभग 15% है और 2050 तक जिन लोगों का 60 एज है इनका लगभग प्रतिशत प्रमाण 20% कुल जनसंख्या की संदर्भ में होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आज हम बोल रहे हैं कि भारत एक यंग इंडिया है, परंतु 2050 में एक वृद्धों की बड़ी जनसंख्या रहने वाला विश्व में सबसे बड़ा देश हमारा भारत रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये बताती है कि जो वर्तमान स्थिति में लगभग 70 करोड़ लोग 60 वर्ष के अधिक उनका आयुमान है और जो दुनिया की कुल आबादी है उसका लगभग ये 10% हिस्सा है। और इसी के तहत हम अगर पिछले 4-5 दशक का अगर हम अध्ययन करेंगे, उनके संदर्भ में हम उनकी जो आंकड़ेवारी है अगर हम देखें तो लगभग 2001 में 6.9% इसका आंकड़ा था और 2023 में लगभग ये जो आंकड़ा है ये लगभग 10% हो गया है।
और 2037 में लगभग ये वृद्धजनों का कुल जनसंख्या का आंकड़ा 15% होने वाला है, और हम मैंने अभी आपको बताया है कि 2050 में ये लगभग 20% होने की संभावना जताई गई है। जैसे कि हम वृद्धजनों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो वृद्धजनों के कुछ समस्याएं हैं, और समस्या ही हम देखते हैं, लेकिन वृद्धजनों का अध्ययन करने के संदर्भ में हमारे कुछ सिद्धांत भी है। जैसे कि वृद्धजनों का सैद्धांतिक दृष्टि से हम अगर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो हमें जेरोंटोलॉजी का अध्ययन करना आवश्यक होगा। जेरोंटोलॉजी में जैसे कि वृद्धजनों के संदर्भ में उनकी आयु के हिसाब से उनके कौन से प्रश्न है, इसको लेकर के जेरोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, और जेरेट्रिक्स जो उसकी जो पद्धति है अध्ययन करने की, इस पद्धति के अध्ययन से भी हम वृद्धजनों का अध्ययन करते हैं। और ये जेरेंटोलॉजी का एक अध्ययन ऐसा है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म से ही धीरे धीरे जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है वो आयु के हिसाब से उसका शरीर धीरे धीरे जीर्ण होते जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो जो लंबा सफर है उसके जन्म से उसके वृद्धावस्था तक और उसके मृत्यु तक का जो सफर है उसमें यह बताया गया है कि जब से उसका जन्म होता है जैसे जैसे उसके दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे धीरे 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 ये जीर्ण की जो अवस्था होती है वो वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे उसका मृत्यु या वृद्धावस्था उसकी आएगी वैसे वैसे उसका शरीर वो जीर्णन हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न उसके शरीर में निर्माण होते हैं। और इसी जेरेंटोलॉजी और ये जेरेटिक्स का जो अध्ययन है उसके तीन अंग बताए गए हैं, और इस तीन अंग में लगभग उसमें पहला यह है कि शरीर का ह्रास होना है, दूसरा यह है कि शरीर के जो विविध अवयव या अंगों है उसमें जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका का ह्रास जिसे हम सेल्स बोलते हैं सेल्स का ह्रास होता है, और वृद्धावस्था के संदर्भ में अलग अलग आर्थिक प्रश्नों का भी निर्माण हो जाता है, और इस सभी प्रश्नों का अध्ययन करने का काम ये जो जरा शास्त्र है इस शास्त्र में उसका अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। ये जो जरा अवस्था है इसमें बताया गया है कि हमें भी पता है, केवल ये सैद्धांतिक अप्रोच से हम मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस अवस्था के जो सामान्य लक्षण होते हैं ये सामान्य लक्षण में बाल का सफेद होना, हमारे त्वचिया पर झुर्रियां पैदा होना, धीरे धीरे शरीर क्षीण होते जाना, और चलने भागने में बहुत सारे प्रश्न दिक्कतें निर्माण होना, ऐसे अलग अलग प्रश्नों का सामना, अलग अलग काल में अलग अलग रोग कैसे कैसे होते हैं इस संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास इस जेरोंटोलॉजी के संदर्भ में वृद्धजनों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। और इस वृद्धजनों के संदर्भ में जो सैद्धांतिक दृष्टि से अध्ययन किया है उसमें हमारे मनोवैज्ञानिक लोगों ने, कुछ समाजशास्त्री लोगों ने, विदेश में इसका अध्ययन किया गया था, उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक लोगों ने जो अध्ययन किया है उसमें एरिक्सन ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, माना कि ये मनोवैज्ञानिक पहले मूलतः ये अमेरिका से है, और इन्होंने जो काम किया है वो जर्मनी में काम किया है, इनको मनोवैज्ञानिक रूप से ये जाने जाते हैं, और इन्होंने जो वृद्ध के संदर्भ में अपना सिद्धांत जो प्रकट किया है उसमें संपूर्णता बनाम निराशा ये उनका महत्वपूर्ण टाइटल है। इसमें एरिक्सन ने बताया है कि जब वृद्ध लोग जो है, जब वृद्ध का जो उनका कालावधि है, जैसे कि माना कि हम उसकी ज्यादा व्याख्या करने में मैं प्रयास ज्यादा नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारे हमारे सोशियोलॉजी के कलीग और
इंटरडिसिप्लिनरी के सब कलीग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो सबको पता है कि वृद्ध की समस्या या उसकी व्याख्या क्या है। माना कि जो यूनेस्को और WHO ने जिन लोगों का एज 60 के ऊपर है ऐसे लोगों को वृद्ध माना है। जैसे कि 60 के ऊपर के लोगों को हम वृद्ध मान सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा विचार किए तो जब हम राजनीति का विचार करेंगे तो राजनीति का तो अच्छा काम तो बड़े पैमाने पर लोग उसकी जो आयु 60 वर्ष के बाद होती है उसी में वो ज्यादा काम करते हैं। लेकिन एज पर द WHO एंड यूनो उन्होंने 60 साल के लोगों को ओल्ड एज पीपल कहा है। तो ये जो सिद्धांत है एरिक्सन का, इस सिद्धांत में बताया गया है कि जब 60 साल के बाद या जो कोई वृद्ध व्यक्ति है जब वो उसके पर्सनल जीवन में ये सोचता है कि उसके अतीत के संदर्भ में वो सोचेगा। जब हम अतीत के संदर्भ में बात करते हैं तो अतीत के उसके अतीत में यानी उसके पुराने जीवन में भूतकाल में उसको हम अतीत कहते हैं, तो अतीत में उसके जीवन में क्या क्या हुआ था। जैसे कि कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, कभी कभी बुरी घटनाएं घटती है। हमेशा व्यक्ति जो सोचता है वो अपने जीवन में जो बुरी घटना हो गई है उसके संदर्भ में बहुत ज्यादा सोचने का प्रयास करता है। कुछ लोग उनके जीवन में जो सकारात्मक घटना घटी है उसके संदर्भ में भी सोचते हैं। तो एरिक्सन का इतना ही कहना है कि जब व्यक्ति सकारात्मक सोचेगा तो उसका जीवन या उसकी जो थिंकिंग है ये पॉजिटिव रहेगी, संपूर्णता वो अच्छी सोच करने की कोशिश करेगा। और जब वो नकारात्मक सोचेगा तो उसमें निराशा ज्यादा पैदा होने की संभावना होती है। इतना ये सिद्धांत का मैं सार यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। माना कि वृद्ध जनों के समस्या के संदर्भ में बहुत सारे जो कारण हैं, अभी हम भी जब हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बहुत सारे कारण में वृद्ध जनों की समस्या बढ़ गई है। इसमें संयुक्त परिवार का विघटन होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो फासला होता है, हम अंतर पीढ़ी संघर्ष उसे जो कहते हैं, इसी के ही कारण वृद्ध जनों की समस्या में बड़ी संख्या में उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी एक बात है कि धन का महत्व, जैसे कि मैं कारण हम सब टीचर लोग हैं तो सभी को पता है इस कारण के संदर्भ में, मैं उसके डिटेल में जाने का प्रयास नहीं करूंगा, तो आपको उसका पता है। हमें ज्यादा फोकस वेलफेयर और उनके सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट के संदर्भ में ज्यादा हमें कोशिश करना चाहिए, बात करना है, और उनके समस्याएं कौन सी है। तो ये बता रहा था कि मैं जो धन की लालच है अभी लोगों को ज्यादा हो गई है इसके संदर्भ में आपको पता है, और जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है, सेल्फनेस बढ़ गया है, इसलिए हम वृद्ध जनों के तरफ ज्यादा ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। माना कि हमारा जो कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, तो हमने तो अतिथि को देवो भव कहा है और माताजी पिताजी तो देव होते हैं, तो ऐसे स्थिति में इनके प्रश्न इतने सारे उभर कर क्यों आए हैं, ये आज के दिन में, आज के इस पीरियड में हमें बहुत गहराई से इस पर सोचने की आवश्यकता है। जैसे कि हम बताते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, जैसे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे दायित्व क्या मिला है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरी जिम्मेदारी को मुझे किस तरह से, मेरे जिम्मेदारी को मुझे निर्वहन करना है, और एक समाज का अच्छा नागरिक, इस देश का एक अच्छा नागरिक, एक पढ़ा हुआ नागरिक, लिखा हुआ नागरिक मुझे आगे साबित करना है, तो और माताजी पिताजी का सम्मान करते हुए उसका भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी पर सोचना, उसके ऊपर काम करना, ये हमारा भारतीय कल्चर है। फिर भी हम इस कल्चर से कहीं दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो प्रश्न है, वृद्धों के जो प्रश्न है, ये बहुत प्रतिकूल स्थिति में उभर कर आ रहा है। जैसे कि वृद्धजनों के जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न है, उसमें से एक 3-4 प्रश्न पर हम यहाँ थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उस पर हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।
तो वृद्ध जनों के जो प्रश्न है उसमें हम देखते हैं कि कई बहिर्गत जो प्रश्न है और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसे हम अंतर्गत परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन हम कह सकते हैं। बाह्य परिवर्तन के संदर्भ में अभी हमने जिक्र किया था कि बाल सफेद होना, शारीरिक क्षमता में कमजोरी होना, ये ऐसे ही बाह्य स्वरूप या बाह्य परिवर्तन के कुछ आयाम यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो आंतरिक परिवर्तन का जो दृष्टिगोचर है वो दिखा ही नहीं देता है, परंतु वृद्ध जनों का इसका सामना उनके रोजमर्रा के जीवन में हमेशा करना पड़ता है। जैसे कि उनके हृदय के जो प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम है, जननांग के प्रॉब्लम है, मूत्रोत्सर्ग के प्रॉब्लम है, तो ऐसे जैसी जैसी शारीरिक कमजोरी बढ़ते जाएगी वैसा शरीर आंतरिक परिवर्तन उसमें होते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न वृद्ध जनों को निर्माण होते हैं और उसका सामना करने का उनको प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि उसमें हम ये बताएंगे कि पहला जो स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य की तो समस्या हम लगभग अभी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्या बहुत सारे लोगों को हो गई है। जैसे कि हमने जो COVID-19 का जो हमारा इतना सारा दौर गया उसमें हमारे लगभग 2-3 साल उसमें गए हैं COVID-19 में, तो COVID-19 में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो गई थी। माना कि केवल वृद्ध जनों ने इसका सामना नहीं किया, बल्कि अपने जैसे जिनका एज 35-30-40-45-50 तक है, इन्हीं लोगों ने सभी लोगों ने उसका सामना किया है। फिर भी COVID-19 में वृद्ध जनों के जो प्रश्न थे बहुत गंभीर प्रश्न, इसका कारण यह है कि COVID-19 में बहुत सारे वृद्ध जनों की मृत्यु ये कोविड के कारण हो गई थी। इसके संदर्भ में आपको पूरा आपके संज्ञान में वो COVID-19 है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जो 1996 में जो अध्ययन किया था उसमें लगभग पूरे विश्व में नेत्रहीन लोगों की संख्या जो है ये लगभग 11 करोड़ थी, और उसमें लगभग 80% जो लोग थे उन लोगों को सफेद मोतिया का प्रॉब्लम हो गया था। माना कि इसमें ये बताना है कि नेत्र की समस्या से ज्यादा लोग परेशान हैं। जब नेत्र की समस्या निर्माण होती है तो उसके साथ अपने आप भावनात्मक की भी समस्या निर्माण होती है, सामाजिक समस्या भी निर्माण होती है। समाज का उनके तरफ देखने का जो नजरिया है वो भी नजरिया बदल सकता है, और जो रक्तचाप बोलते हैं हम, जो ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर भी लगभग 9 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर था, और इसमें अगले साल तक 2025 तक पूरे विश्व में जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 830 मिलियन से अधिक लोगों को जो है ये प्रश्न निर्माण होने वाले हैं, और उसमें ज़्यादातर जो चलने फिरने में प्रॉब्लम, बहरापन, जो जिसे हम कहते हैं कि संवेदनाओं की कम होना, अल्जाइमर, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों का प्रमाण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसी कारण जो वृद्ध हमारे देश के जो लोग वृद्ध है ये समस्या से बड़े पैमाने पर जूझ रहे हैं। ये एक स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। माना कि हम हार्ट अटैक की जो बात करेंगे तो हार्ट अटैक का प्रमाण तो वृद्ध जनों में कम है, लेकिन अभी नए पीढ़ी में भी हार्ट अटैक का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसके संदर्भ में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी समस्या जो वृद्ध जनों की है, इसमें जो मानसिक समस्या है, और ये मानसिक समस्या जो है तो जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में जो यातायात के प्रश्न है या कई नौकरी के प्रश्न है और कई बहुत सारे हमारे रोजमर्रा के जीवन के जो प्रश्न है, इसी प्रश्न के कारण हम मानसिक तनाव या टेंशन से गुजर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे से कई ज्यादा
वृद्ध जनों की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई रहती है, इसका जो मेजर जो काउज है, जो कारण है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि अकेलापन, अकेलापन के कारण वृद्ध जनों को उनकी जो मनस्थिति है वो बिगड़ जाती है, और मनस्थिति बिगड़ने के कारण जो चिड़चिड़ापन आता है वो चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है। इसलिए जैसे कि मनस्थिति बिगड़ने के कारण वो अलग अलग लोगों को अलग अलग बात करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को वृद्ध जनों को मेंटली ज्यादा प्रश्न हुआ है, या कोई उनकी मेंटल हरासमेंट हुई है, या उनको मेंटल इफेक्ट आ गया है आयु के कारण, उसके वृद्ध स्थिति के कारण, उनका धीरे धीरे पागलपन की तो और भी लोग अभी बढ़ रहे हैं, ये एक गंभीर प्रश्न निर्माण हो रहा है। और इसी कारण जो है वृद्ध लोग हमेशा उनके जीवन में दुखी रहते हैं और मानसिक तनाव से भरे रहते हैं, और ज्यादा लोगों को बात करने की उनकी इच्छा नहीं रहती। और जो लोग ज्यादा वृद्ध होते हैं, जिनका जो मरण काल जो पास में आता है, ऐसे लोगों की मनस्थिति, अपने बच्चे परिवार के लोग या कोई रिश्तेदार है, तो ऐसे रिश्तेदारों को बात करने की इच्छा भी उनकी नहीं रहती। इसका मेजर कारण है तो उनकी मानसिक स्थिति में बड़ा गहरा आघात होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। जो तीसरी जो समस्या है जो महत्वपूर्ण लगती है वो आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या के संदर्भ में हम सबको पता है कि आर्थिक समस्या के कारण वृद्ध लोगों का जो जीवन है, आर्थिक समस्या के कारण कई समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ने आर्थिक समस्या का जिक्र करते हुए जो वृद्धों को जो सामना करना पड़ रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण है, जो उनका आहार, जिनको आहार में जो कार्बोहाइड्रेट मिलना आवश्यक है, खनिज मिलना आवश्यक है, लोहे का तत्व उनको मिलना आवश्यक है, जैसे कि जो प्रोटीन्स वाला आहार है उनको मिलना आवश्यक है। लेकिन जब परिवार का विघटन हो रहा है, परिवार से उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में बहुत गंभीर समस्याओं का सामना वृद्ध जनों को करना पड़ रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मैं ड्यूटी करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक दो तीन वृद्धाश्रम है नैनी के एरिया में। तो उस वृद्धाश्रम में हम महीने में एक बार विजिट करते हैं, उसमें कुछ कार्यक्रम हम आयोजन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और कई उनका काउंसलिंग करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर पाया गया है कि ऐसे बहुत सारे वृद्ध लोग हैं वहाँ पर, महिला और पुरुष ये दोनों की भी लगभग संख्या 150 के आसपास है। तो उसमें ऐसा ध्यान में आया है हमारे सर्वे में कि कुछ वृद्धों को घर से हकाल दिया है। जैसे कि हम घर से उनको हकालने के बाद कई दिन वो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास में कई रहते थे, तो ऐसे लोगों को वृद्धाश्रम वालों की जो टीम है, प्रशासनिक टीम, ये प्रशासनिक टीम ने उनको वहां पर लाया है। तो उसमें लगभग 25 लोग जो ऐसे है कि जिनको घर से हकाल दिया था, और माना कि आर्थिक परिस्थिति अच्छी होते हुए भी कुछ वृद्ध जनों को घर से निकाला दिया है, और कई जगह पर खाने पीने का प्रश्न गंभीर है, रोजगार की समस्या है, घर का जो इनकम है बहुत कम होने के कारण वृद्ध जनों को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में उनका एडमिशन करने का प्रयास वहां पर जो किया है वो हमने देखे है। लगभग बार बार हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। इसमें और एक बताना महत्वपूर्ण है कि जो निर्धनता रेखा अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं हमारे, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आने वाले जो वृद्ध लोग हैं, जो महिला है या पुरुष है, तो ऐसे लोगों को आर्थिक समस्या का सामना ज्यादा उनको जो समस्या है ये गंभीर समस्या है। जैसे कि ये समस्या जो हम देख सकते हैं कि जब हम
आदिम एरिया में, ट्राइबल एरिया में हम रिसर्च के लिए जाते हैं या कहीं हम प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट के संदर्भ में जब हम सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वृद्ध लोगों को हम देख सकते हैं, उनका हम साक्षात्कार ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये बीपीएल के अंडर आने वाले जो हमारे जो वृद्ध लोग है, तो इनके प्रश्न बहुत गंभीर है। एक तो निर्धनता रेखा अंतर्गत जो नाम रहता है, लेकिन उसके स्कीम्स भी उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो तत्काल स्वरूप में मिलती नहीं है। खाने पीने के प्रश्न गंभीर होते हैं, कई बार लोगों को दूसरी तरफ मांग कर खाना पड़ता है, और कई कई भूखे पेट भी सो जाने वाले लोग हमने ट्राइबल एरिया में भी देखे हैं, और आप भी देख सकते हैं। तो ये आर्थिक समस्या जो है, हमारी आर्थिक समस्या गंभीर है। इसमें मुझे एक यहाँ पर मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जहाँ निर्धनता रेखा है, जहाँ रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, आर्थिक परिस्थिति परिवार की पहले से ही गंभीर है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं कि जो शहरी समाज, नगरीय समाज में रहते हैं, ग्रामीण समाज में रहते हैं, अपने पास सब होते हुए भी उनके माता पिता के प्रश्न बहुत गंभीर होते हैं। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि ऐसे स्थिति में हम सोशियोलॉजी के जो लोग हैं या सोशल साइंस के लोग हैं, हम सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की बात करते हैं, तो सामाजिकरण जो है, हमारा सामाजिकरण कितना मुझे सामाजिकरण नहीं हुआ है या सामाजिकरण हमारा उतला है, तो ऐसे स्थिति में हमारे जैसे जो एक्सपर्ट है सोशियोलॉजी के और इस संदर्भ में आने वाले सभी डिसिप्लिन के लोग, हमने सोचना चाहिए। तो आर्थिक समस्या की जो गति है, ये गति वृद्ध के लोग, वृद्ध जनों के जीवन में बड़े पैमाने पर आ रही है, ये एक प्रश्न गंभीर है। इसमें और हम कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा आगे निकलना है। दूसरा जो गंभीर प्रश्न है कि इसमें शारीरिक शोषण और हमला, जैसे कि बताया जाता है कि शारीरिक जो शोषण है या हमला करने वाले जो अपराधी लोग होते हैं, तो इसमें अध्ययन में ये पाया गया है कि इसके दो कारण होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो वृद्ध लोगों के पास जो धन है, वो धन मिलने का एक कारण है, और दूसरा जो कारण है कि जानबूझकर उनको तकलीफ देने का कारण है, उनको परेशान करने का। ये दोन प्रकार के जो अपराध होते हैं या दोन प्रकार के जो अपराधी होते हैं, ये दो प्रकार के अपराधी वृद्ध जनों का शारीरिक शोषण करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, जैसे कि माना कि कुछ ऐसे वृद्ध पति पत्नी है, वो घर में अकेले रहते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, घर है, या उनके अकाउंट पर पैसे है, बैंक बैलेंस है, तो ऐसे लोगों को कुछ लोग उनके नजदीकता निर्माण करते हुए कभी उनके ऊपर हमला करते हुए उनको मार गिरा कर भी उनके पैसे लेके जाते हैं, डकैती करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो हम नौकर का काम करने का नाटक करते हैं, और कई दूसरे लोगों को बुलाकर उनके ऊपर हमला किया जाता है, और ऐसे कारण भी वृद्ध जनों के जो प्रश्न है गंभीर है। और इतना ही नहीं, तो हम सब लोगों ने कई फेसबुक या यानी कई जो हमारा व्हाट्सएप है या ट्विटर है, बहुत जगह पे हमने देखा है, वीडियो आए थे कि घर की बहू उसके सासू माँ को मार पीट रही है, और घर में कोई नहीं है, जोर जोर से उसको मार रही है, घर के बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, या कहीं वो उसके बेड पर लेटी हुई है तो वहीं पर वो मार रही है। तो ऐसे जो मारना पीटना या वृद्ध जनों को कुछ लोग कारावास भी देते हैं, ये कारावास देना, उसको एक रूम में बंद करना, खाना पीना नहीं देना, ये गंभीर समस्या है। ऐसे गंभीर समस्या का सामना जो वृद्ध लोगों को करना पड़ रहा है, ये एक शारीरिक का एक गंभीर प्रश्न है। इतना ही नहीं, तो कुछ अध्ययन में ऐसा ही आया है, आपको ये विश्वास नहीं आएगा कि कुछ वृद्ध जनों के ऊपर उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के मामले भी कुछ घटना में अध्ययन में सामने आए हुए हैं,
ऐसे ही गंभीर प्रश्नों का सामना वृद्ध जनों को करना पड़ता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर है, परंतु वृद्ध जनों के संदर्भ में जो उनका जो कल्याण है, उनका वेलफेयर और सशक्तिकरण, सशक्तिकरण यानी उनको अलग अलग प्रकार का योजना के तहत, उनके एक्सरसाइज के तहत और हमारे भारतीय जो परंपरा है उसके तहत हम उसका सशक्तिकरण कर सकते हैं, और वेलफेयर के संदर्भ में जो अलग अलग हम मॉडल निर्माण कर सकते हैं, और जो स्टेट लेवल सॉरी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने जो अलग अलग प्रकार की जो स्कीम वृद्धजनों के संदर्भ में जो निकाली है, तो इसका भी हम थोड़ा सा अध्ययन करके उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल के हम उनके सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं थोड़ी यहाँ पर बात रखने की कोशिश करने वाला हूँ, और उसे ही हम वृद्धजनों का कल्याण एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में कुछ देशज जो अप्रोचेस है जो मुझे लगे, मैं मेरे जो पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको शेयर करने का बताने का मैं प्रयास करने की कोशिश करूंगा। मेरा कहना ये नहीं है कि आपको जो जो मेरे विचार या जो मुझे इंडिजिनियस जो मुझे अप्रोच लगते हैं वो अप्रोच आपको फाइनल लगे, ऐसा नहीं है। जो मेरी बात है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं यहाँ पर रखने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। अभी अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति में हमारे माता पिता जो है, ये माता पिता हमारे भगवान है, ऐसा हम कहते हैं। तो हिंदू धर्म में जो कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत बताया गया है, हमने सब लोगों ने पढ़ा है, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि हमारे जैसे कर्म है उसका परिणाम भी हमें जल्द से जल्द मिलेगा। इस भावना पर कुछ लोगों का जो विश्वास है, जो हम बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करेंगे वो पाओगे, तो ऐसे स्थिति में भी इस सिद्धांत का आधार लेते हुए हम बच्चों का हमारे संस्कार करते हुए उसका एक सामाजिकरण भी हम करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में जैसे कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमारा सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांत है। ये जब हम सब सम्यक की बात करते हैं तो हमारे जीवन में सब हमें सम्यक करना है। बौद्ध धर्म का हम अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म को हमने अपनाया है, तो हमारे जीवन में जो सम्यकता आनी चाहिए, तो उसका भी संस्कार जब हम खुद पर करेंगे तब हमारे माताजी पिताजी को हम घर से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है कि हमारे जो धर्म है, जिस कहीं कुछ जो कोई किसी धर्म का हो, उस धर्म में अपने माताजी पिताजी के संदर्भ में हमारे जो दायित्व है, तो उसका दायित्व का हम जो निर्वहन करने वाले हैं, तो किस तरीके से हमें निर्वहन करना है इसकी बात उसमें बताई गई है। उसका हम जिक्र करते हुए अगर हमें बच्चों को संस्कार करेंगे या हम खुद संस्कार लेने का हम अगर प्रयास करेंगे तो भी ये बात बन सकती है। जैसे कि बुद्ध ने उनके जो संगत है उसमें दुख का निरोध कैसे हो सकता है, और जब जो ज्ञानी बनेगा वो बुद्ध हो जाएगा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हम इतने ज्ञानी हो गए, इसका मतलब है इतने हमने पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमारी इतनी सारी डिग्रियां हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे मिनिमम, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे डिसिप्लिन में हम अपने अपने डिसिप्लिन में ज्ञानी हो गए, बुद्ध हो गए। अगर हम बुद्ध हो गए तो बुद्ध का जो विचार है, जो विचार है हमारे जो मन में आना चाहिए, और उसी तरह से हम अहिंसा की बात करते हुए लोगों के दुख का निवारण करने के संदर्भ में हमें जुड़ना चाहिए, ये भी एक बात यहाँ पर हो सकती है। और दूसरी ये बात है कि वृद्ध जनों के जैसे कि हमें उनको अगर सशक्त करना है, तो भारत की संस्कृति में जो हमारे जो पतंजलि योग गुरु थे, तो पतंजलि योग गुरु ने
जो अलग अलग प्रकार की जो जीवन प्रणाली उन्होंने योग गुरु ने बताई थी, तो उनके जीवन में लगभग 8 चरणों का पतंजलि ने जिक्र किया था। उसमें जैसे कि आत्मनियंत्रण करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, ध्यान करना है, जो है तो ध्यान धारणा जो है, ये ऐसे स्थिति में अगर वृद्ध जनों को हम करने लगाएंगे तो उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। और अलग अलग धर्मों में जैसे कि जैन धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में भी जो अपरिग्रहता की बात की है, तो उसके संदर्भ में भी हम विचार कर सकते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं महात्मा गांधी का यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि गांधी जी ने जो उनका जो ये किताब है, रचनात्मक कार्यक्रम वाला ये किताब है, छोटा सा किताब है, आपको कहीं भी मिलेगा वो हम पढ़ सकते हैं। तो उसके जो लास्ट अध्याय में नैसर्गिक पद्धति से शरीर का भरण पोषण करते समय क्या क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में बहुत डिटेल में महात्मा गांधी जी ने लिखा है। जैसे कि हम मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, पानी का प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने ये आप तेज वायु आकाश जो हम पंच महाभूत बोलते हैं, उस पंच महाभूत का जिक्र करते हुए जैसे कि मिट्टी पूरे शरीर को लगाना है और सवेरे सूर्य प्रकाश में मॉर्निंग में बैठना है तो उसके असर क्या होंगे, वृद्ध जनों के या कोई भी व्यक्ति उसके शरीर की अगर हम मालिश करेंगे तो उसके शरीर में जो जो कोशिका है जिसे हम सेल्स बोलते हैं, तो उसमें कुछ जो हमें फायदा मिलेगा, ऐसा बहुत सारा डिटेल में वो रचनात्मक कार्यक्रम का एक किताब है। और एक दूसरी एक किताब है कि जो आरोग्य की कुंजी, एक छोटा सा किताब है। ये दो किताब में वृद्ध जनों के सशक्तिकरण के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हुए वृद्ध जनों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। और जैसे कि सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी ने जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए थे, वहाँ पर भी बहुत ज्ञान हमें मिलता है, कब हम गए तो वहाँ पर भी हमें करना चाहिए। और दूसरे एक दो जो देशज मॉडल जो है, तो उसका मैं खाली आपको कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम सबको पता है कि आनंद वन में जो बाबा आमटे ने जो एक मॉडल हमारे महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के सामने रखने का जो प्रयास किया है, तो इसमें लोगों के सेवा का जो एक मॉडल वहां पर बनाया है, ऐसा मॉडल गवर्नमेंट की तरफ से हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम बना सकते हैं। और दूसरा एक मॉडल है उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में एक मॉडल बनाया गया था, माना कि वो एकात्मिक विकास प्रकल्प के अंतर्गत मॉडल था। तो ऐसा जो मॉडल है जो हम यहाँ पर पूरे देश में बना सकते हैं, महाराष्ट्र में बना सकते हैं, तो उसमें यह है कि स्वावलंबन, स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो तीन जो पैरामीटर है उसको हम वहाँ पर उसका अमल कर सकते हैं। जैसे कि उसके जो पहले है, तो अगर एक तालुका में हमें काम करना है या डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो उस एक गांव में, एक तालुका में और एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे वृद्ध लोग हैं, उनकी आयु कैसी कैसी है। जैसे कि 60 के 60 से 65 के बीच में कितने लोग हैं, 60 के 70 के बीच में कितने लोग हैं, 70 के 75 से बीच में कितने लोग हैं, ऐसा उनका पूरा आंकड़ा निकाल के जो लोग काम कर सकते हैं उनको रोजगार देने का प्रयास इस मॉडल के तरफ से थ्रू मॉडल हम कर सकते हैं। और जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रकार के प्रावधान बनाकर वहाँ पर स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी, जो अलग अलग प्रकार के मल्टी वेराइटी ऑफ द डिजीज एंड मल्टी वेराइटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड स्पेशल डॉक्टर भी हम वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और ये अपॉइंटमेंट करते समय गवर्नमेंट को अगर पूरा
फुलफिल वहां पर अपॉइंटमेंट करना नहीं है तो थ्रो एनजीओ के थ्रो भी काम हम कर सकते हैं। कई ऐसे एनजीओ है उनके पास बहुत सारे डॉक्टर हैं और कई ऐसे डॉक्टर है कि जो स्वयंस्फूर्त वो कई मरीजों की जो इलाज है मरीजों का इलाज मुक्त करने वाले भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे भी हम जोड़कर एक चित्रकूट जैसा एक जो मॉडल है ये मॉडल हम बनाकर जो वृद्धजन काम करने वाले हैं वो लोगों को हम काम देंगे और जो थोड़े ज्यादा कमजोर हो गए हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए एज अ टेकिंग केयर हम जैसे वृद्धाश्रम में करते हैं तो उसी हिसाब से एक मॉडल हमें बनाकर भी हम काम करने का प्रयास कर सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि जो वृद्धाश्रम की बात मैंने अभी अभी की थी तो वृद्धाश्रम के संदर्भ में हमने देखा है कि कुछ तालुका प्लेस पर और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर वृद्धाश्रम अभी बन रहे हैं लेकिन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट वृद्धाश्रम में नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से वृद्धाश्रम के लिए जो अनुदान है वो पहले मिलता नहीं था, आगे जो दो चार योजना मैं बताने वाला हूँ तो उसमें गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो फंड भी मिल रहा है और यो थ्रू द एनजीओ एंड लोकल गवर्नमेंट जो हमारा है तो उसके थ्रो भी ये वृद्धाश्रम अभी बनाने जा रहे हैं। तो वृद्धाश्रम की जब हम बात करते हैं तो मुझे अभी लगता है कि 2050 तक पूरे विश्व में वृद्ध जनों की जो संख्या बढ़ने वाली है लगभग 20% अगर हिस्सा अगर वृद्ध लोगों का बढ़ने वाला है तो आज ही हमें जो समाज कार्यकर्ता लोग हैं जो समाजशास्त्री लोग हैं वो थोड़ा उनको फिलोसॉफिकल नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, जो एनजीओ वाले लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे, गवर्नमेंट उसमें कार्य करेगा। 2050 की तैयारी जो है हमें आज से भी करना पड़ेगी और वृद्धाश्रम एक एक तालुका और मिनिमम दो चार तालुका में एक और डिस्ट्रिक्ट में 5-6 वृद्धाश्रम का अगर अनुदान के सहित अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल गया तो ऐसे वृद्धाश्रम को अलग अलग प्रकार के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपने आप जुड़ जाएंगे। कोई भी योजना अगर चालू करना है तो कई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर के अगर चालू किया तो उसको एनजीओ जुड़ जाएंगे और एक वृद्ध जनों के लिए हम एक देशज अप्रोच बनाकर हम एक हमारे कल्चर को पकड़ के हम आत्मीयता और सेवा भाव के एंगल से वृद्ध जनों के समस्याओं का कुछ हद तक हम उसका समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे एक 2-3 मॉडल हम बना सकते हैं। और दूसरा एक छोटा सा यहाँ पर जो विचार है गाड़गे बाबा का जो विचार है, जैसे कि हम फिलोसॉफी तो बहुत बोलते हैं लेकिन जब उसके अमल करने का जो टाइम आता है तो हम उसको बगल मारते हैं। इसका मतलब है कि वी आर सेइंग वन एंड डूइंग अनदर। दिस जो इमर्जिंग ये जो गलत फिलॉसफी है इसको थोड़ा सा जब हम बाजू करेंगे तो जो हम बोलेंगे वही करेंगे। अगर ये सोचेंगे तो जब गाड़गे बाबा का जो छोटी सी गाड़गे बाबा की जो फिलॉसफी है कि भूखे को खाना देना है, नंगे को कपड़े देना है, बेघर को घर देना है, ये जो गाड़गे बाबा का विचार है तो इन्होंने इतनी सेवा भाव से उन्होंने किया था। आपको गाड़गे बाबा के संदर्भ में ज्यादा मैं बताने की आवश्यकता नहीं हूँ, केवल मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। गाड़गे बाबा की हमें फिलॉसफी मालूम है लेकिन गाड़गे बाबा के फिलॉसफी के तहत हम चलने का प्रयास नहीं करते। जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे, माना कि ये ऐसा नहीं करना है कि कोई गंगे भूखे है और हमें घर से बाहर निकल कर लोगों को खाना देते बांटना और बाहर घूमना नहीं है। हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, हमारे रिश्तेदारी में जो वृद्ध लोग हैं, हमारे जो एसोसिएट रहने वाले जितने सारे जो लोग हैं, उनके संदर्भ में एक अच्छी भावना निर्माण करने का प्रयास भी हम करेंगे तो हमारे वृद्ध जनों का कल्याण या उनका सशक्तिकरण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और दूसरी एक बात जो मुझे लगी
सबको लगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जब वृद्धजनों की हम बात करते हैं तो हमारे जो कानून है तो कानून में भी कुछ प्रावधान ऐसे बनाए हैं, तो उसमें से एक एक नया कानून ऐसा बनना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ नॉट कंपलसरी टू ऑल। ये जो ओपिनियन है कि जिन जिन लोगों को नई नौकरी लगेगी, ऐसे नौकरी लगने वाले जो लोग हैं उनके जो माताजी पिताजी है, उनके माताजी पिताजी को जो नौकरी लगने वाले लोगों के सैलरी से 10% हिस्सा अपने आप मिलना चाहिए। जैसे कि किसी को अगर 1,00,000 पेमेंट है तो 10,000 माताजी पिताजी के अकाउंट पर अपने आप जाने का जो कानून है ये अगर आ गया तो माताजी को इतने सारे, पिताजी को इतने सारे प्रश्न का सामना करना नहीं पड़ेगा। और जो लोग अपने माताजी पिताजी के साथ ही रहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार हो गया, तो कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे जो लड़के हैं विदेश में रहते हैं, उनकी ड्यूटी विदेश में है। और कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे लड़के बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि जो हम मॉडर्नाइजेशन का जो जिक्र करते हैं तो उसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन जो बोलते हैं, माइग्रेट जो होते हैं, तो इसी कारण घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में माता पिताजी के जो हाल है गांव में बड़े होते हैं हाल, और जो वो भोगते हैं गांव में तो उनको ही पता रहता है। इसलिए जो 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 एक्सटर्नल जो माइग्रेट हुआ है उसमें देश विदेश में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान करना आवश्यक है कि उनके सैलरी का जो कुछ जो हिस्सा है तो उसमें कुछ पैसे उनको मिलना चाहिए। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में भी वृद्ध जनों के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के प्रावधान उसमें लिखे हैं। जैसे कि हमारे भारत का जो संविधान है, आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हमारी उद्देश्य पत्रिका हमने पढ़ी है, हम सबको पता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 सूची 3 के धारा 6 में वृद्ध जनों के संदर्भ में उनके क्या क्या अधिकार है इसका जिक्र किया है, और धारा 20, 23 और 24 में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देने का भी प्रावधान वहां पर लगाया गया है। और दूसरी ये बात है कि जो हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो कानून है, जो पुराने कानून है, संविधान का अमल होने के पहले से ही हमारे कुछ कानून थे और बाद में उसको भी संविधान में उसका एडिशन किया है, तो उसमें जो हमारा हिंदू कानून है 1973 का जो हिंदू कानून है, इस कानून की जो धारा 125(1) जो है, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वृद्ध माता पिता जो है उसकी जिम्मेदारी जो है उनके पुत्र की रहेगी। तो ये जो संविधान की जो धाराएं हैं इसके संदर्भ में व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर हम इसका जनजागरण के रूप में भी लोगों को बताना है कि ये जिम्मेदारी अपनी है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई कानून हो तो कानून का जो हम अमल करते हैं तो कई बार हम कानून का अमल प्रॉपर तरीके से नहीं करते और इसलिए वो कानून कानून नहीं रहता है, काम नहीं करता। तो ऐसे कानून का जो अमल है तो हमें ठीक तरह से करना होगा। दूसरा जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिम कानून को जो हम तैबीज बोलते हैं, तो तैबीज के भी अनुसार जो है तो जो माता पिता है, दादा दादी है, तो इनका भी जो भरण पोषण है, इसका भी भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उनके बच्चों पर और जो उनके नाती नातिया जो रहते हैं उनके ऊपर भी जो दायित्व जो है वो सौंपा गया है।
इसी के साथ जो हमारे ईसाई या पारसी भाई है तो उनके लिए भी जो उनका एक जो कानून है जो हिंदू कानून से रिलेटेड है 1973 का जो कानून है, तो उसमें जो आपराधिक प्रक्रिया जो मानी गई है तो उसमें भी भरण पोषण करने का जो दायित्व है या वो काम है मैजिस्ट्रेट की थ्रू, वो उनके बच्चे या जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर मैजिस्ट्रेट वो कंपलसरी करके वो कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ही स्थिति में ये कानून की थ्रू से भी सशक्तिकरण करने का जो प्रयास है वो प्रयास किया गया है। अभी एक 5 मिनट में मैं जो हमारे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है सशक्तिकरण के संदर्भ में उसका थोड़ा मैं दोहराते हुए मेरा जो ये लंबा जो चल रहा है वक्तव्य इसको मैं विराम देने का प्रयास करूँगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वृद्धाश्रम की हमें बहुत आवश्यकता है, वृद्धाश्रम हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने लगभग भारत स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रयास करने का जो प्रयत्न किया है उसी तहत वृद्धजनों का सशक्तिकरण करने का जो प्रयत्न गवर्नमेंट की थ्रू से हुआ है उसमें से कुछ एक 5-6 बातें यहाँ पर मैं बता के मेरे वाणी को मैं यहाँ विराम देने का प्रयास करूँगा। तो उसमें जो पहला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जैसे कि हम लेटेस्ट में जो योजना बनी है उसकी तरफ से हम ब्याक जाने का प्रयास करेंगे। ये राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना है ये केंद्र सरकार ने 2017 में ये योजना चालू की थी और जो वृद्ध लोग अलग अलग प्रश्नों से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम उनको आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान बनाकर उनको सुविधा करने का प्रयास इस योजना के तहत 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। जैसे कि अलग अलग लोगों को गांव में जो वहां पर कनेक्ट हो जाएंगे सुविधा के लिए उनको चलने के लिए डंडी या कोई व्हील चेयर, ये ऐसी अलग अलग जो सुविधा है स्वास्थ्य के संदर्भ में मेडिसिन की सुविधा है तो ऐसे मेडिसिन की सुविधा भी बनाने का प्रयास इस योजना के तहत किया है। जो दूसरा है वो वृद्ध कल्याण फंड, वृद्ध कल्याण फंड वाली जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इस योजना को 2015 में इसका कार्यान्वयन करने का प्रयास किया है और अलग अलग प्रकार के जो सुविधा सेंटर्स है वो सुविधा सेंटर्स इस योजना के तहत निर्माण किए जाते हैं और कुछ ऐसी सुविधा है कि जैसे कि जो जो मोबाइल पतक होता है जांच का वो गांव-गांव में जाकर के जो अस्वस्थ जो वृद्ध लोग हैं उनकी जांच वहां गांव में जाकर के करने का भी प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है और कई ये फंड के इस योजना के तहत वृद्ध जनों को पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया है और कई लोगों को पोस्ट ऑफिस से जोड़कर वहां उनका खाता निकाल के जो वहां पर पैसे रख सकते हैं और ये जो मिनिस्ट्री है अपनी सोशल एम्पावर की मिनिस्ट्री इस पर कंट्रोलिंग करती है और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ये अलग अलग मिनिस्ट्री के जो लोग है ये अलग अलग मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है इस योजना में काम करते हैं और जो समिति है वो समिति में ये लोग काम करने का प्रयास इस योजना के तहत करते हैं। जो दूसरी योजना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन और ये जो योजना है इस योजना के तहत वृद्धाश्रम निर्माण करने का प्रावधान इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन इस योजना के तहत रखा गया है और जो नेशनल रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं कि जिसका रिकॉर्ड जिस एनजीओ का रिकॉर्ड अप्रूव्ड रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कई स्टेट गवर्नमेंट में भी ये योजना जारी हो गई है तो
वृद्धाश्रम निर्माण करने के लिए अनुदान देने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाता है। जो अभी मैंने ये बताया कि जो भ्रमण करके दवा देने वाले जो केंद्र है, ये केंद्र भी इसी योजना के तहत निर्माण करके जो हमारे गैर सरकारी जो संगठन है, हमारे स्वयंसेवी संस्था या एनजीओ, इनके थ्रू इनको पैसे दे करके भी ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लोकल सोशल जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जिसे हम स्थानिक स्वराज संस्था कहते हैं, तो इनके थ्रू भी अलग अलग एनजीओ को और ये पंचायत समिति ग्राम पंचायत को भी दे करके ये काम हो सकता है। जो 2007 में जो महत्वपूर्ण अधिनियम कानून आया है, वो भी एक महत्वपूर्ण लगता है, जिसके तहत वृद्ध जनों का कल्याण करने का प्रयास गवर्नमेंट में किया है। उसका नाम वृद्धों के कल्याण के लिए माता पिता भरण पोषण अधिनियम। हाँ, जो भरण पोषण अधिनियम जो है 2007 में लगभग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सरकार था, मनमोहन सिंह के सरकार ने ये भरण पोषण का कार्यक्रम 2007 में बनाया था। एक्चुअली ये 26 दिसंबर 2008 में ये लागू हुआ था, और इसे एक्सटेंड करके 2012 तक की ये जो योजना थी, ये योजना अलग अलग प्रकार के स्कीम के तहत इस अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया है। इस नियम को अभी भी लागू कर सकते हैं। और जो भरण पोषण का जो मुद्दा है कि स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ उनके खाने पीने का जो इंतजाम है, वो भी करना बहुत आवश्यक है, और ये योजना के साथ उनका भरण पोषण करने का भी प्रयास किया गया है। ऐसे बहुत सारी योजना, हेल्पेज इंडिया है, एच केयर इंडिया है, बहुत सारी योजना गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है, और गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत अलग अलग स्टेट में, जैसे कि कुछ योजनाएं एक स्टेट में बनी तो कई 25-30 स्टेट में, और हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी कुछ योजना गई थी। तो ऐसे बहुत सारे योजना गवर्नमेंट बनाकर सशक्तिकरण का प्रयास कर सकती है। इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से वृद्ध जनों को अवार्ड देने की एक स्कीम आ गई है, वृद्ध जनों को अवार्ड, जैसे कि हम अलग अलग प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, उसमें एक नेशनल अवार्ड देने का भी गवर्नमेंट ने जिक्र किया है। वृद्ध जनों के लिए एक राष्ट्रीय जो परिषद है, वो भी बनाई गई है, और वृद्ध जनों को जो पुरानी योजना है, लगभग 1972 की जो योजना है, उसमें वृद्धों को मूलभूत सुविधा देने के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे लगभग 40 प्रकार की जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, वो पूरा डेटा अपने पास है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इन ऑल स्कीम्स, क्योंकि हमें उतना हमारे पास वक्त नहीं है। तो इतने सारे जो स्कीम्स है, ये स्कीम का प्रचार प्रसार गांव-गांव में होना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जो मिनिस्ट्री है, सोशल एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर वाला, वो अनुदान भी देता है। अगर हमें कॉलेज वालों को या कई इंस्टीट्यूट वालों को हमें अगर प्रचार प्रसार के लिए कॉन्फ्रेंस लेना है, या कई संगोष्ठी हमें करना है, चर्चा सत्र का आयोजन करना है, उसी के लिए भी ये मिनिस्ट्री फंड देती है। 4-4, 5-5 लाख तक का भी फंड देने का प्रावधान उसमें है। हमें प्रोजेक्ट हम डाल सकते हैं, और उसी तहत हम जो समाजशास्त्री लोग है, या कोई हमारे सोशल जो सोशल साइंस के जो अलग अलग डिसिप्लिन के लोग है, वो काम हमें मिलजुल कर हम करेंगे, तो एक सोशियोलॉजिस्ट या हम एक समाज का काम करने वाले, अलग अलग विषयों में संशोधन करने वाले, प्रोजेक्ट करने वाले जो हमारे टीचर है, ये भी हम सब मिलकर वृद्ध जनों के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में और मार्गदर्शन के संदर्भ में भी हम काम करेंगे। और जो हमारे एनजीओ है, हमारा सरकार जो है, ये सरकार, हम अगर पूरे मिलजुल कर हम एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 2050 का जो प्रश्न गंभीर होने वाला है, वो प्रश्न को हम निश्चित रूप से मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं।
तो मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ पर कंक्लूड करना बहुत मुझे आवश्यक है। तो मैं आप सभी को एक गुजारिश करूँगा कि जितना पॉसिबल है वृद्धजनों के संदर्भ में हम सब लोग मिलकर आर्टिकल लिखें, पेपर में उनके प्रश्न लिखें, प्रश्न का भविष्य लिखें, ये प्रश्न कितना गंभीर होने वाला है 2050-60 तक, हमारे देश का जो सबसे बड़ा प्रश्न ये निर्माण होने वाला है, आज युवा देश है तो कल ये बूढ़ा देश हो जाएगा, इसी संदर्भ में हमें कुछ ना कुछ करके हमारे देश के लिए हम कुछ करेंगे। जैसे कि हम तो हमेशा बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, इससे हम जान लगाएंगे, हम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी उम्मीद के साथ मेरा जो ये जो लंबा जो वक्तव्य चल रहा है, इसे मैं यहीं पर विराम देने की कोशिश करूंगा। चलते चलते ये बताना है कि चेहरे की जो चमक है और मकान की जो ऊंचाई है, चेहरे की चमक और मकान की जो ऊंचाई है, इस पर जाना नहीं है, चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर हंसते मिले हैं तो समझ लेना कि वो घर अमीरों का है, वो घर अमीरों का है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, खूब 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 धन्यवाद। खरतर दिगंबर सरांचं इतकं चांगलं प्रभावी भाषण व्याख्यान सरांनी सुरुवातीलाच म्हटले होते की भाषा कोणती निवडावी। खरंतर असं माझा एक असा समज होता की हिंदी खूप अवघड आहे, पण सरांनी आज ते तो गैरसमज दूर केलेला आहे। इतकं सुटेबल, इतकं चांगल्या भाषेमध्ये हिंदीमध्ये व्याख्यान समाजशास्त्र विषयाचं देऊ शकतो ही सरांकडून आज पहिल्यांदा पाहिलं की सरांनी जी सुरुवातच केली की आश्रम व्यवस्थेपासून सुरुवात करून की विशेषतः वृद्धांचे प्रश्न काय आहेत, पूर्वीच्या आश्रम व्यवस्थेमध्ये वृद्धांची परिस्थिती काय होती, भारतीय परंपरा, भारताचा धर्म, भारताची संस्कृती, विशेषतः त्याच्यामध्ये वृद्धाचे भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचं झालेलं स्थलांतर, स्थलांतरामुळे निर्माण झालेले प्रश्न आणि वृद्धांची समस्या काय आहेत, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र आर्थिक सामाजिक त्याचबरोबर इतर ज्या समस्या आहेत, ज्या विशेषतः मानसिक समस्या, त्या मानसिक समस्येचा सुद्धा सरांनी या ठिकाणी आढावा घेतला आणि या समस्या कुठल्या प्रकारे कोणत्या कारणामुळे उद्भवतात, म्हणजे त्याची आपण ज्याला म्हणतो कारणे, ती कारणे सांगून सरांनी एक विशेषतः की भारतीय समाजाचे जे विविध प्रकार, भारतीय समाजाच्या पारंपरिक दृष्टिकोनातून जे वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म आहेत, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी, शीख, ईसाई, ख्रिश्चन आणि इस्लाम, या सर्व धर्मामध्ये वृद्धांच्या संदर्भात जे विविध प्रकारचे दृष्टिकोन, विविध प्रकारचं तत्वज्ञान, विविध प्रकारची प्रणाली ही वृद्धांच्या सांभाळ करण्यासाठी कशी कारणीभूत आहे, हे भारतीय दृष्टिकोनातून खूप चांगल्या प्रकारे सरांनी विशेष केलेलं आहे की अनेक दृष्टी अनेक उदाहरणं सरांनी दिली। बाबा आमटे सरांचं उदाहरण दिलं, महात्मा गांधीजींचं, आपण सर्वजण तर गांधीजींना पाहतो, गांधीजींची स्वतःची एक विचार प्रणाली, एक स्वतःचं तत्वज्ञान होतं, विशेषतः त्यांनी त्याचा उल्लेख केला आणि विशेषतः एरिक्सन या मानसशास्त्रज्ञाने मांडलेला जो सिद्धांत आहे तो सिद्धांत सरांनी व्यक्त करून की भारतीय संविधानामध्ये सुद्धा की वृद्धांच्या संदर्भात काय तरतुदी आहेत, संविधान काय म्हणते वृद्धांच्या संदर्भात, आणि विशेषतः वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या पंतप्रधानांच्या काळामध्ये झालेले कायदे, या कायद्यांचा वृद्धांच्या संदर्भात कल्याण करण्यासाठी हे कायदे कसे सक्षम आहेत त्याची फक्त अंमलबजावणी करणं बाकी आहे। या दृष्टिकोनात सरांनी विविध कायदे आणि त्याच्याही पुढे जाऊन कल्याण करण्यासाठी, विशेषतः वृद्धांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी जे काही योजना आहेत, त्या सर्व 5 योजनांचा सरांनी अत्यंत खोलात जाऊन या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे। खरंच खूप 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 धन्यवाद सर, आपण खूपच प्रभावी आज सर्व आमचे विद्यार्थी, आमचे प्राध्यापक, आमचे सहकारी, सर्व संशोधक, वेगवेगळ्या विविध महाविद्यालयातून या ठिकाणी ऑनलाईन जॉईन झालेले सर्व इतर बंधू आणि भगिनी, या सर्वांना याचा निश्चितच खूप चांगला फायदा त्यांच्या काळामध्ये, विशेषतः त्यांना त्यांच्या अभ्यासामध्ये, विशेषतः आणि सरांनी शेवटी सांगितलं की या संदर्भात लिखाण करा, कारण प्राध्यापक आणि शिक्षक आपण असल्यामुळे
कुठलीही समस्या जेव्हा आपण घेतो तेव्हा त्या समस्येवर वर्तमानपत्र असेल, लेख असेल, जर्नल्स असतील, मासिकं असतील किंवा विविध प्रकारचे जिथं जिथं आपल्याला व्यक्त होता येईल तिथं तिथं आपण हा प्रश्न सरांनी शेवटी सांगितलं की 20% प्रमाण वाढणार आहे, म्हणजे खूप वृद्धांचं एकूण लोकसंख्येमध्ये 20% प्रमाण होणार आहे आणि त्यामुळे त्या 20% प्रमाण म्हणजे वृद्धांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून कदापिही चालला नाही. खूप खूप धन्यवाद सर, खूप इम्प्रेसिव्ह व्याख्यान तुम्ही आम्हाला दिलं त्याबद्दल खूप आम्ही तुमचं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि आजच्या या वेबिनारचे या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर सरांना विचारले तर उपस्थित जॉईन झालेले कोणाचा जर प्रश्न असेल या संदर्भात. ओके थँक्यू. काही प्रश्न दिसत नाही कोणाला सगळे त्या या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येऊ. आपण आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आमच्या आयक्यूएसीचे कोऑर्डिनेटर माननीय निवृत्ती नानोटे सरांना मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करण्यासाठी बोलतो. धन्यवाद सर. आज आयोजित समाजशास्त्र विभाग आयोजित ऑनलाईन वेबिनारच्या या कार्यक्रमामध्ये हा कार्यक्रम घेण्यासाठी आमच्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मार्गदर्शक किशोर नाना हंबर्डे, सन्माननीय सचिव अतुल शेटजी मेहर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय निंबोरे सर यांनी विभागाला व आयक्यूएसीला हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे प्रथमतः विशेष आभार मानतो. तसेच आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर आमचे मार्गदर्शक आदरणीय गुरुवर्य तंगलवाड सर यांचं सुद्धा मी विशेष असं आभार मानतो. एक अभ्यास व्यक्तिमत्व सरांचा बायोडाटा बघत असताना म्हणजे वाघमारे सर वाचत असतानाच एक असं दिसून आलं की एक अतिशय अभ्यास व्यक्तिमत्व एक रिसर्चचे जाण असणारे रिसोर्स पर्सन आपल्याला लाभलेत आणि त्यांनी आपलं जे काही मार्गदर्शन केलं त्यातनं तर सरांचे विशेष असं पैलू आपल्याला दिसून आलेत. मी सरांचं विशेष असं धन्य आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या महाविद्यालयातील जे काही प्राध्यापक या वेबिनारसाठी उपस्थित आहेत त्यांचं व आपल्या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो. व अध्यक्षांच्या परवानगीने हा वेबिनार इथे संपन्न झाला असं जाहीर करतो आणि एक विनंती वजा सूचना करतो की आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आपण तयार केलेला आहे त्या ग्रुपवरती फीडबॅक लिंक येईल, त्या लिंक तो फीडबॅक फॉर्म भरून आपलं सर्टिफिकेट आपल्या मेलवरती येईल. तो मेल चेक करत असताना एक तर स्पॅममध्ये किंवा इनबॉक्समध्ये आपल्याला आपले सर्टिफिकेट मिळतील. धन्यवाद सर्वांना. हां सर, हां तुमचे संस्थेचे मुंडे सरचे आणि तुमचे खूप खूप आभार. मला तुम्ही बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल तुमच्या संस्था चालकाचे बी आभार, भगवान वाघमारेचे आभार, आपल्या पूर्ण टीमचे पुन्हा पुन्हा धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू.